दोस्तों, आप सभी ने पुष्पा 2 का धमाकेदार टीजर और पोस्टर देख ही लिया होगा। आइए प्रेडिक्ट करते हैं कि पुष्पा 2 की कहानी क्या हो सकती है। जैसा कि टीजर में दिखाया गया है, पुष्पा गायब है और पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। तभी दिखाया जाता है कि जंगल में पुलिस को एक खून से लगा हुआ शर्ट मिलता है। पुलिस का दावा है कि ये पुष्पा का शर्ट है जिसमें 9 गोली लगी है और उसका जिंदा होना नामुमकिन है, क्योंकि आपने जब पुष्पा पार्ट 1 देखी होगी तो उसमें जो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन था उसमें पुष्पा ने भैरव सिंह शेखावत की गजब धुनाई की थी। इससे भैरव का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो गुस्से में घर आता है, अपने कुत्ते को मार देता है। ऐसा हो सकता है कि वो पुष्पा से बदला लेने के लिए ऑन फाइल उसे इनकाउंटर में मरवा दिया हो और जो शर्ट मिली थी खून से लगभग वो पब्लिक में दिखाने के लिए हो कि पुष्पा मारा गया है, और इसी के विरोध में पब्लिक सड़कों पर उतर आती है और चारों तरफ प्रोटेस्ट और दंगे करती है। ऐसा आप टीजर में देख सकते हैं और ये दंगा महीनों चलता है। तो ऑन फाइल पुष्पा भले ही मर गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। और 6 साल बाद जब पुष्पा को एक CCTV फुटेज में देखा गया तो सबको पता चला कि पुष्पा भी जिंदा है और पब्लिक में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा सब आप टीजर में देख सकते हैं। बात करें पोस्टर की तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पोस्टर मूवी के क्लाइमेक्स सीन में देखने को मिलेगा। आप में से बहुतों ने पुष्पा 1 देखी होगी। उस मूवी में कोंडा रेड्डी जब मर जाता है तो पुष्पा, मंत्री और सीनू उसके घर पर मीटिंग करते हैं जिसमें पुष्पा पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया जाता है। फिर पुष्पा कहता है हमारे पास ऐसी कीमती चीज है जिसकी डिमांड पूरे दुनिया में है, और फिर कहता है जंगल की तस्करी में डिस्ट्रीब्यूटर पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इससे लगता है कि ये मूवी बड़े बड़े प्रदेशों के बड़े बड़े माफियाओं और बाहुबलियों को दिखाएगा जिनका इन्वॉल्वमेंट चंदन की तस्करी में होगा, और ये मूवी गैंग वार में बदलने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के ऊपर इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबली लेवल पर एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो जो इन सब से चंदन खरीदता हो, तो ये मूवी इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर भी लिंक हो सकती है। तो पुष्पा 1 में जहां सिर्फ जंगल और एक क्षेत्रीय सीन को दिखाया गया था, वहीं पुष्पा 2 में पूरे भारत के स्तर पर तथा पूरे वर्ल्ड में चंदन की कालाबाजारी को दिखाया जाएगा। और इन सब के बीच हो सकता है पुष्पा पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि पूरी पब्लिक उसके सपोर्ट में है, इससे वो और पावरफुल होगा। और फिर सुनने में आ रहा है फहद फाजिल के अलावा फिल्म में विजय सेतुपति भी होंगे। इनका अपीयरेंस ही किसी गैंगवार मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी है। अब सोचिए ये 3 बड़े बड़े स्टार, 3 पावरफुल स्टार जब एक फ्रेम में होंगे तो वो सीन कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। ओवरऑल ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हो सकता है इस मूवी का क्लाइमेक्स अब तक के इंडियन सिनेमा में सबसे बेस्ट क्लाइमेक्स हो, और जिस तरीके से पोस्टर में अल्लू अर्जुन का गेटअप है, ये कांतारा मूवी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पायर जरूर होगा। और पूरी फिल्म का जो विजुअल होगा जैसे ग्लोबल लेवल पर लिंक एक KGF 2 की तरफ इशारा करेगा। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।